हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं बनाने जा रही हूँ केक। अरे, मैंने ले लिया है रवा, मोटा रवा था लेकिन मैंने इसको ग्राइंडर में पतला कर लिया है और मैं इसमें डालती हूँ रवा को। अभी मैंने रवा डाल दिया है इसमें। अब डालती हूँ मैं शुगर। ये खड़ी चीनी थी और मैंने इसको पीस लिया है। अब अपने हिसाब से कम मीठा जितना भी चीज़ ना ले लीजिएगा। शुगर ऐड करने के बाद फिर थोड़ा सा 3 चम्मच जैसा मैं मैदा ले रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, ये बहुत ज़रूरी है। तो आधा चम्मच जैसा डाल लीजिए, इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। केक बना रही हूँ इसलिए बहुत सारा कोको पाउडर ले रही हूँ, बहुत सारा नहीं, एक कटोरी। आपको अगर चॉकलेट वाला नहीं बनाना है तो सिर्फ इतना ही इन्ग्रीडियंट एनफ है, पर मैं चॉकलेट वाला बना रही हूँ तो कोको पाउडर डाला हुआ है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी दूध। आप चाहे तो इसमें अंडा डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं थोड़ा। अब मैं ऐड कर रही हूँ दूध, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ ही नहीं डालना है। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ तेल, खाने वाला 2 चम्मच है। आप बटर यूज़ करना चाहें तो बटर यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, एकदम स्मूथ बैटर हो जाना चाहिए। बस ये परफेक्ट है। इसमें रवा डाले हैं तो इसको इसलिए मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखूँगी और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं केक बनाना। मैंने केक बनाने के लिए ये चढ़ा दिया है और गैस ऑन करके मीडियम फ्लेम में रखूँगी, मीडियम टू लो। और ये मैं डाल रही हूँ नमक। मैंने नमक और इसको अच्छे से फैला दूंगी। इसके अंदर मैं ये रख देती हूँ, इससे फिर रखूंगी केक बनाने वाला बर्तन। अभी मैं इसमें तेल लगा लेती हूँ, अच्छे से ग्रीस कर लूँगी तेल को चारों तरफ से।
अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, नहीं तो ना चिपकने लगेगा। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको ग्रीस कर लिया है, और मैं ये मेरा बैटर है केक वाला, और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा टूटी फ्रूटी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। बैटर को इसमें ट्रांसफर कर देती हूँ। अच्छे से टैप कर देना है। ये बर्तन मेरा प्री हीट हो चुका है, अब इसे पे रखूंगी केक, और इसको कम से कम 30 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ऐसे ही मीडियम आंच में, फिर चेक करते हैं। तीस मिनट हो चुका है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, ये नाइफ की मदद से करूँगी मैं। इसमें डालती हूँ, ये भी नहीं पका हुआ क्योंकि इसमें लग रहा है, तो मैं अभी 10 मिनट के लिए और बेक होने देती हूँ। 10 मिनट के बाद फिर चेक करते हैं। मैं इसको कवर करके रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुका है, फिर इसको चेक कर लेते हैं खोल के। ये देखिए कितना अच्छा बेक हुआ है, ये चेक करते हैं फिर से डाल के। ये देखिए बिल्कुल क्लीन निकला हुआ है, तो समझ लीजिए केक बेक हो चुका है। बस अब इसी स्टेज पे इसको ढक देती हूँ और गैस को कर देती हूँ बंद। फिर 5 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी इसको, फिर चेक करते हैं, चेक यानी कि कट करते हैं। अभी ये ठंडा हो गया है तो इसको भी निकालते हैं बाहर। पहले किनारे किनारे से चाकू से बर्तन से बाहर निकालेंगे, थोड़ा गर्म है तो संभाल के करना पड़ेगा। मैं इसको पलट दे रही हूँ, बड़ा आसानी से निकल जाता है, कुछ करना नहीं है इसमें। देखिए कितना आसानी से निकल गया है ये। इसको कट करके देखते हैं कैसा है ये। ये देखिए कितना स्पंजी बना हुआ है। बहुत ही टेस्टी होता है, आप लोग भी ट्राई करिए। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। बाय बाय।